और अक्सर ये भी देखा गया है कि खाने के बीच में पानी पीना भी वजन बढ़ने का कारण बनता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्या ये जो लोग कह रहे हैं कि खाने के बीच में अगर आप पानी पियेंगे तो वजन बढ़ेगा, क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो योग के जरिए इसे कैसे घटाया जा सकता है? एकदम सच है। सुबह जब भी देखो, सुबह उठ करके पानी पीना ये अमृत के समान औषध है। खाना खाने से पहले पानी पीना वो अमृत के समान है। तो कितना पानी, 3 घूंट पानी पीते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, और फिर भोजन के बीच में आप यदि रुक्ष भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं, भोजन के अंत में छाछ पी सकते हैं, वो भी 1 गिलास जग भर करके नहीं और उसमें भी थोड़ा लवण भास्कर हिमस्टक डाल करके नहीं। भोजनान्ते विषमवारी, तो ये जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ये गड़बड़ है, उससे मंदाग्नि हो जाती है और पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। इसलिए शुरू में भी ज़्यादा पानी पीना, बीच में पानी पीना और लास्ट में पानी पीना, ये ज़्यादा पानी पीना तो तीनों ही खतरनाक है। शुरू में 1-2 घूंट पानी पीते हैं तो वो संकेत मिल जाता पूरे शरीर को, हमारे पूरा मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है, पेट के पूरे गट बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं कि अब कुछ आने वाला है। तो उसमें सूप ले लिया करें और खाने में सीक्वेंस रखें, सूप सलाद फ्रूट से पहले खाने चाहिए, उसके ऊपर से फिर जो भी फल और जिनको वजन है उनको तो उबली हुई सब्जियां और मिलेट्स में रागी बाजरा, बस यही खाना बेटा तुम्हें। राजस्थान में तो ऐसे भी बाजरा वहाँ का सबसे प्रसिद्ध आहार है, जो बाजरा खाएगा वो वज्र जैसा हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो खैर ये जो भोजन के बाद में पानी पीने वाला, भोजनान्ते विषमवारी, ये बार बार हमने याद दिलाया, आज फिर से आपको याद दिला दिया, इसका ध्यान रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।